गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस सिक्किम के बहुत ही खूबसूरत सा गांव जिसका नाम है रोलेप। ये देखो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत सा गांव, एक ऑफबीट ट्रैवल डेस्टिनेशन। सामने से आप आवाज़ शायद सुन रहे हो, सामने से जा रहे नदी तीस्ता नदी का एक ब्रांच यहाँ से बोल सकते हो, पहाड़ों से बीच में जा रहा हुआ। और ये है मेरा होम स्टे का रूम। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है जो इस सिक्किम ट्रैवल करने के लिए आ रहे हो। रोलेप हो सकता है एक दो दिन के लिए आपका एक डेस्टिनेशन, यहाँ पर साइट सीन बहुत कुछ है, घूमने के लिए बहुत जगह है। तो कैसे ये बढ़िया होम स्टे मैं चीपेस्ट एकदम सस्ते में मैंने बुक किया, कैसे आप रोलेप आ सकते हो, पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। तो चलिए पहले एक थोड़ा सा रूम टूर कर लेते हैं, रूम कैसा, रूम का कंडीशन क्या है, उसके बाद आपको दिखाते हैं नीचे जाकर बाकी डिटेल्स, इसका नाम, इसका कॉन्टैक्ट नंबर, कैसे आ सकते हो, बुकिंग, खर्चा, फैसिलिटी सब। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले चले जाते हैं पे रूम में। ये हम लोग दो रूम लिए थे, रूम वन एंड रूम टू। रूम है 301। इस रूम का कंडीशन देखो, वाह कितना खूबसूरत है। अच्छा, डेकोरेशन साफ सुथरा क्लीन, बेड है, कंबल है, पिलोज है, टेबल है, सोफा है, अच्छा पेंटिंग वेंटिंग लगा हुआ है। पर्दे को यहाँ से थोड़ा सा हटाओगे आप देखोगे यहाँ से खूबसूरत सा पहाड़ का नज़ारा और झरने का पानी का आवाज़ सुन सकते हो। यहाँ पर अगर चले जाए वॉशरूम की तरफ, लुक एट द वॉशरूम, एकदम साफ सुथरा, गीजर लगा हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन, ये वॉशरूम है। राइट, ये हम लोग का रूम वन। दूसरा वाला रूम ये है जहाँ पर मैं रहा था। यहाँ पर दो बेड है, टू बेड्स ओवर हियर, तो बेड वन बेड टू। यहाँ पर भी टेबल लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है, यहाँ पर भी दो दो खिड़कियाँ हैं। बाहर यहाँ से आप झरने को देख सकते हो, नदी को, और यहाँ से आप सुबह सुबह चाय पीते पीते पहाड़ को देख कर सुबह का शुरुआत कर सकते हो। सोच सकते हो ऐसे अमेजिंग खूबसूरत होम स्टे में रहकर अगर आप सुबह ऐसे स्टार्ट करोगे तो दिन कैसा खूबसूरत होगा। सो गाइस अभी हमको क्या करें, इसका भी यहाँ पर देखो मिरर आईना लगा हुआ है। यहाँ पर भी जो रूम का जो वॉशरूम है बहुत ही क्लीन है, गीजर भी लगा हुआ है, शावर भी लगा हुआ है। यहाँ पर आप जस्ट रूम में बैठकर भी आप पहाड़ देख सकते हो, जस्ट फॉर जॉगिंग। सो नाउ व्हाट द थिंग, अभी हम लोग क्या करना है, मुझको नीचे जाना है, नीचे जाकर हम लोग का जो ड्राइवर है प्रवीस, दो मिनट में आ रहा हूँ, दो मिनट। ओके प्रवीस क्या कर रहा है, तो हम लोग के आप लोग निकलना है। तो यहाँ पर बैल्कनी में भी बैठ सकते हो, बैठ कर आप खूबसूरत नज़ारों को व्यू कर सकते हो। तो ये थर्ड फ्लोर से हमको नीचे जाना है, नीचे जाकर आपको दिखाऊंगा इस होम स्टे का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कैसे आ सकते हो। चलिए खाना, और खाना यहाँ पर क्या क्या मिलता है, खर्चा कितना है, एकदम नॉमिनल कॉस्ट है, राइट, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है, नीचे पहुँचते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है मेरा होम स्टे का डिटेल्स, इसका नाम है बुद्धा वाटर फॉल्स होम स्टे। यहाँ पर यहाँ का फोन नंबर दिया गया है, देख सकते हो। राइट, ये पूरा डिटेल्स मेरा होम स्टे जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बाहर आ चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। आपको तो होम स्टे का कॉन्टैक्ट नाम सब दे दिया, अभी सब खर्चा बताते हैं। देखो होम स्टे का सबसे फ़ायदा क्या है, यहाँ पर खाना भी मिलता है, चार टाइम खाना मिलता है, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का टिफिन और रात का डिनर। ओके सब कुछ मिलाकर, खाना पीना रहना सब कुछ मिलाकर ये लोग चार्ज किया मेरे से सिर्फ 1000 रुपये से, राइट, पर हेड मैं बोल रहा हूँ। तो अगर बार्गेन करते तो 800 रुपये भी हो जाता, बट मैंने बार्गेन नहीं किया, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा आने के बाद। और यहाँ पर सबसे जो बढ़िया चीज़ है, खाने का क्वालिटी वेरी टेस्टी। अगर थोड़ा सा हल्का हल्का खाना चाहते हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में टी बिस्किट, दोपहर में है अंडा करी, राइस, दाल, पापड़, एक सब्जी, शाम के हैं चाय और पकोड़े, ओके वेज पकोड़े, और रात में है चिकन करी, दाल, एक सब्जी और राइस। ओके सो राइस भी खास ले सकते हो आप, रोटी भी ले सकते हो, पहले से बोल देना पड़ता है। तो सोचो इतना कम खर्चे में रहना, खाना, सब कुछ। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो मैंने गाड़ी ले लिया था, आप भी गाड़ी ले सकते हो। आप यहाँ पर आने के लिए रंगली बाज़ार से भी आ सकते हो, गैंगटॉक से भी घूम के इधर पे आ सकते हो। इस सिक्किम में पड़ता है ये जगह, इस सिक्किम में मान लीजिए आप जुलूक जा रहे हैं, राइट, तो जुलूक एक से दो दिन में जुलूक पूरा ख़त्म हो साइड, तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा ऑबिट, तो दो दिन के लिए तो सिक्किम में नहीं आओगे, मान लो 7 दिन के लिए आ रहे हो, 5 दिन के लिए आ रही हो, तो ये जगह एक दिन दो दिन आप रह सकते हो, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ओके और यहाँ का जो हैंगिंग ब्रिज, मैं दूसरा वीडियो में दिखा है हैंगिंग ब्रिज, यहाँ जो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से जस्ट 2 मिनट पैदल जाओगे जस्ट हैंगिंग ब्रिज है। वहाँ पर वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ और बाद में आने वाला है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। एकदम हैंगिंग ब्रिज के पास भी एक
होम स्टे है उसका भी डिटेल्स उस वीडियो में है, अगर चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, दोनों जगह पे फ़ोन करो, जो अच्छा लगे आप बुक कर लो। बट मेरा मानना ही है ये तुम्हारा पैसा वसूल ट्रिप है, कम खर्चे में अमेजिंग ऑफबीट डेस्टिनेशन में रोलेप आपके लिए जबरदस्त होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर आओगे तो आपका पैसा वसूल होगा ही होगा, आपका मीन्स दिल खुश हो जाएगा। राइट, एकदम सामने से बहता हुआ ये नदी, ये नेचर सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए यू कैन स्पेंड वन आर टू डेज। तो गाइज, अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको काम में आया तो ऑफकोर्स वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करके मेरा हेल्प करना मत भूलिएगा। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।